अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाशा लाइव विद किड्स। सो वेलकम टू माय न्यू रमदान ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग को जो है यहाँ पे 19 रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और ये है सैटरडे का ब्लॉग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ना, बहुत दिन के बाद बनाने जा रही हूँ रशियन कटलेट। तो यहाँ पे ना मैंने जो है वेजिटेबल में ये शिमला मिर्च और गाजर लिया है, और अंडा और ये सेवई क्या बोलते हैं तो वो जो है कोटिंग के लिए लिया है, और यहाँ पे चिकन को ग्राइंड कर लिया है मैंने। और उसके बाद तो हम ना सबसे पहले चिकन को जो है भून लेते हैं सारी सब्जियों के साथ। तो थोड़े से तेल में हम सबसे पहले थोड़ी सी प्याज डालेंगे, और उसके बाद जो है चिकन को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि चिकन की ना पीसेस थी तो मैंने उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, तो वो क्या है कि ईज़िली कुक हो जाता है। तो साथ साथ जो है आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। और मेरी और भी बहुत सी वीडियो है, बहुत सी रेसिपी है, और बहुत सी जो है टूरिस्ट प्लेस है, तो आप वो भी जाके मेरी वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। और यहाँ पे ना मैं जो है सबसे पहले अच्छे से चिकन को मैंने कुक कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी जो है वो ऐड कर दिया। और इसमें जो है आप चिली फ्लेक्स और चाट मसाला, ये तो नॉर्मल है, आप ऐड कर लो। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप फिर उसमें कुछ मिर्ची वगैरह भी काट कर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फ़्लेवर के लिए ना मैगी मसाला दिया है, इससे बहुत ही अच्छा जो है वो फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा डाला है, फिर धनिया की पत्ती और एक मिर्ची डाल दी है काट के। और उसके बाद जो है अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और इसको जो है निकाल लेंगे बर्तन में ताकि ये थोड़ा ठंडा हो, तो उसके बाद फिर हम इसमें कुछ और डालें। और इसके बाद ना हम इसमें जो है दो आलू ऐड करेंगे, बॉयल आलू, उसको ना हम ऐसे ग्रेट कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें ना थोड़ी एक क्यूब्स लेंगे चीज़ की, वो भी जो है हम ग्रेट करके वो डाल देंगे, तो उससे ना काफ़ी अच्छा सा क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा, मतलब टेस्ट क्या है वो डबल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और उसके बाद फिर हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी ये बहुत ही गर्म है, तो मैंने सोचा थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तो फिर उसके बाद मैं जो है वो इसमें चीज़ ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं इसको भी जो है ग्रेट करके डाल दूँगी, और ये काफ़ी ना स्टिकी सा हो जाएगा। तो अगर आपको जो है वो शेप बनाने में, वैसे तो इसका जो है कबाब टाइप जो इसका सर्कल शेप है वो ही बनेगा नॉर्मल, और ये रशियन कटलेट है, तो इसको ना हम थोड़ा हाथ में तेल लगा लेंगे, तो उससे जो है काफ़ी ईजी हो जाएगा बनाने में शेप। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मैं एक्चुअली थोड़ा सा तेल लगाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जो है स्टिकी सा हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है एक बनाया है, और वो आपके ऊपर है मोटा पतला, पर मैं ज़्यादा इसको जो है मोटा नहीं रखूँगी, नॉर्मल रखूँगी, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसको ना हम डीप फ्राई करेंगे, तो इसलिए मैं ना मीडियम रखी हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम जो है एक अंडा लेंगे, उसकी कोटिंग करेंगे इसमें, और फिर ऊपर से ये जो इसकी स्पेशल चीज़ है वो हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं जो शीर खुरमे में डालती हूँ ना, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बी ऑनेस्टली मैं वही शीर वाली मेरे पास थी ये सेवई, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने एक बनाया ना, उस तरह से मैं अपने सारे बना लूँगी। रशियन कटलेट यहाँ पर मेरे तैयार हैं, और अब मैं ना इसको थोड़े टाइम के लिए जो है फ्रीज में रख दूँगी। और बहुत दिन के बाद बनाए, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे बनाए हुए, और रमज़ान में ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया, मतलब 24 रमज़ान में फ़र्स्ट है। उसके बाद जो है क्लीनिंग तो ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर इसमें करते रहो ना, तो और सारी चीज़ें भी गंदी हो जाती। तो सबसे पहले मैंने इसको जो क्लीन किया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने हरी चटनी बना ली थी, तो मैंने सोचा कि ये सॉस भी निकाल दूँ और एक साइड चटनी भी निकाल दूँ। सॉस मैं थोड़ी रखती हूँ, चटनी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि चटनी हम सब खाते हैं, 3-4 लोग हैं, और सॉस जो है मैं थोड़ी निकालती हूँ कि डेली जो है वो ख़त्म हो जाए, यूज़ हो जाए, क्योंकि बच्चे ही सिर्फ लेते हैं। और समद ना स्पून से खाता है, और चावल से खाता है, रोटी से, फिंगर से, हर एक चीज़ से, और साथ को ये सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब्दुल समद जो है उनको पसंद है। तो यहाँ पे ना
मैं जो है फ्राई कर रही थी, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो देखिए हमारा रशियन कटलेट कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। पहले ना इसको डालने के बाद इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, एक साइड जो इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जब एक साइड इसका अच्छा कलर आ जाए ना, फिर हम इसकी जो है वो साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे रशियन कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी से, कुरकुरे से। तो यहाँ पे हम सब जो है अब इफ्तार की जो है टेबल पे आ चुके हैं। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रखती जाती हूँ और हस्बैंड जो है वो सब कुछ जो है वो प्लेट्स में निकालते जाते हैं। तो इफ्तार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ना कि मैं जो अपनी बाइट ले रही थी, तो मैं अंदर से मैं देखी अंदर तक ये कितना क्रिस्पी हुआ था, और चिकन का फ्लेवर ही ना बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और तो इफ्तार करने के बाद मैं ऊपर आ गई, जैसे ही मैंने ना देखा सामने, मुझे इतनी तेज़ डर लग गई कि ये दो लोग कौन है। तो ये अब्दुल समद की शरारत है, वो ऐसे दोनों को बैठा कर गया कि मुझे लगा सच में कोई बैठा है। तो यहाँ पे इनका स्पाइडर मैन तो बैठा है चुपचाप। और मैंने ना मशीन लगा दिया था, तो एक साइड जो है ये सारे मैंने सोचा उलन वाले जो कपड़े हैं वो अब धुल कर हटा दूँ, तो वो जो है टेरिस पे जाएंगे, बाकी जो हल्के हैं वो मैंने नीचे ही डाल दिए बालकनी में। और यहाँ पे अब मैं जो है वाइट बच्चों के कुर्ते पैजामे फ्राइडे का जो है निकला हुआ था, मैंने कहा उनको जो है धुलकर हटा देती हूँ। और ये सारे काम करने के बाद फिर जब मैं नीचे आ गई ना, तो आज मेरा बड़ा मन था कि आज आलू की जो है सब्ज़ी बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने आलू और टमाटर चटनी की सब्ज़ी बनाई है, और उसके साथ जो है रोटी दाल चावल। तो सिंपल खाना आज बनाया है। तो रोटी ना मैं लेट बनाती हूँ, क्योंकि रात तो में लेट नाइट सब खाते हैं ना 11-12 बजे। तो यहाँ पे जो है अभी हस्बैंड आए नहीं थे, तो अब्बू को लगी थी भूख, तो मैंने सोचा आप बना देती हूँ सबके लिए रोटी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है बनाकर उनको दे दिया खाना, और उसके बाद फिर हम लोग ने अपना खाना खाया। और अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे थे शॉपिंग ब्लॉग कब आएगा, तो अभी जो है कोई शॉपिंग वगैरह नहीं हो रही है, क्योंकि हस्बैंड जब दुबई गए थे ना, तो वहाँ से बच्चों के लिए कपड़े वगैरह सब ले आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार शॉपिंग हो, लेकिन जाना है एक बार बच्चों का जो है वो यूनिफॉर्म वगैरह लेने, और भी बच्चों की बहुत सी चीज़ें ना वो लेने सब जाना है। तो इंशाल्लाह आएगा, बट अभी मैं जो है बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। और आप लोग के कितने कुरान हुए मुझे बताइएगा। और यहाँ पे जो है मेरी सारी रोटी जो है वो बन चुकी है। और आप लोग अपना बताइए कि आप लोग की ईद की शॉपिंग हो गई कि नहीं, ईद के कपड़े आ गए कि नहीं। अच्छा, तो आज ना हम लोग भी जाने ही वाले थे, क्योंकि फिर मंडे को जो है वो स्कूल ओपन हो जाएगा। और तो हस्बैंड ने बोला था कि चलेंगे, बट अभी उनकी कॉल आ गई ना कि आज जो है वो लेट हो जाएगा, तो आज नहीं जा पाएंगे हम लोग। क्योंकि आते आते ना कोई आ जाता है तो बिज़ी हो जाते हैं, तो आज वैसा हो गया। और रोटी बनाते बनाते ऐसी हालत ख़राब हो गई ना, मतलब इस कदर गर्मी अचानक से आ गई ना, मतलब गर्मी तो अब आएगी लेकिन अचानक से आ गई ना कि पूछो ही मत। स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको बता दूं दिल्ली में गर्मी, तो मेरा बुरा हाल हो गया था। यहाँ से जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि बस मैं अब शॉवर ले लूँ। तो यहाँ पे हमारी जो है खाना वगैरह रोटी सब कुछ हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं काउंटर को साफ़ कर देती हूँ, वरना फ्लाई वगैरह फिर आ जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मैं यहाँ से वीडियो की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो, रेसिपी पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय। टेक केयर।